ये बच्चों को सिखाया जाता है मत लो, लेकिन जिसको देना होता है वो ज़बरदस्ती देता है, ले या नहीं ले वो तो ज़बरदस्ती दे देगा। तो यहाँ ददामी का मतलब है कि आप लो ना लो लेकिन आपको ज़बरदस्ती दिया जाएगा। इसलिए चेतना महाप्रभु कहते हैं अमृत छाड़ी विष मांगे ये बड़ो मूर्ख। कहते दुनिया वाले भगवान से अमृत मांगने के बजाय विष मांगते हैं, का मतलब विषयों का भोग मांगते हैं। भाई दुनिया में सब मंदिरों में लोग जाते हैं, आप बाहर खड़े होके उनसे पूछो क्यों जाते हैं, प्राय आप सबसे पूछोगे तो कहेंगे जाते हैं दुखी हैं भगवान सुख देगा, रोगी हैं भगवान निरोगी काया देगा, बच्चे शादी नहीं हो रही है भगवान कहीं अच्छा वर दिला दे, यही सब जाने वालों का विचार है या कोई और विचार है? हाँ, प्राय 99% से भी ऊपर लोग भगवान के पास एक ही चीज मांगने जाते हैं। क्या मांगने जाते हैं आप बताइए, क्या मांगने जाते हैं? आप यहां उस लिए नहीं आती हैं क्योंकि यहां व्यापारी दूसरा है, ये सौदाई दूसरा है, यहाँ यहाँ तो राम नाम का दुकान खोला हुआ है। लेकिन प्रायः लोग क्या मांगने जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्या राय है? सुख मांगना चाहते हैं। सुख कैसे मिलेगा? सुख के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए तब सुख मिलेगा, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भगवान नारायण, अच्छा पैसे को क्या कहते हैं भारतीय भाषा में? लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं ना। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के पति हैं और आप जाके कहो कि आपकी पत्नी दो, ये कोई मांगने की चीज है? तो है मूर्ख के नहीं सब बताओ। इसका मतलब कितने हम जो मांग रहे हैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, बोले ऐसे कोई करे करता है क्या? इसलिए हमारे को वेद ने क्या सिखाया था, तुमेव माता च पिता तुमेव, अरे माता है ये कहो तो बालक की तरह आपको सुखी गोद में बिठा के वो मक्खन मछली खिला देगा, और पति बनने जाओगे तो फिर तो कुछ मिलेगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो मांगना ही नहीं आता है, जाते हैं मंदिर में मांगना ही नहीं आता है, बच्चे बन के जाना चाहिए ना, सेवक बनने के। भाई मंदिर में कोई सेवा करने आता है या भगवान को सेवा में लगाने आता है? भगवान ये काम करना, भगवान ये काम, इसका मतलब भगवान को सेवा में लगाने के लिए आते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए तो नहीं आते हैं ना। तो अमृत छाड़ी विष मांगे, मैं दे रहा हूं अमृत, वो कहते हैं विषयों का भोग दो। फिर चेतना महाप्रभु कहते हैं ए बड़ो मूर्ख, बेवकूफ है, मूर्ख है, अमी विज्ञ, मैं तो पागल नहीं हूं, मैं तो जानता हूं ना, तो विष के बाद ही वो विष कैसे दूंगा, मैं जबरदस्ती उसको अमृत दूंगा। तो ये जो ददामी शब्द है एक गीता का, ये श्लोक 10वें अध्याय क्या है, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते, मैं ऐसे भक्तों को बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, बुद्धि का मतलब है निर्णय कर लेना कि हमारा लाभ किस में है, हानि किस से है, उससे बचना चाहिए, बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि का फंक्शन है। तो बुद्धि तो सबको दी है, चींटियों को भी बुद्धि दी है कि कहाँ चीनी का दाना है वहां चली जाएगी। बुद्धि योग किसी को भगवान सबको नहीं देते हैं, इसका राइट रिजर्व है, ये उसको देते हैं जिसमें कुछ योग्यता होती है भगवद गीता में। परंतु चेतना महाप्रभु ने बड़ी उदारता से ये चीज योग्यता न देखते हुए भी सबको देने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, पूरे भारत में भ्रमण करके और लोगों को एक बार
ग्रस्त कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आए कुलीन ग्राम से बंगाल में। उसका नाम था गुलराज खान। ये खान शब्द किसी ये मुस्लिम रूल के समय कोई व्यक्ति अगर बड़ा प्रतिष्ठित होता था तो उसके पीछे खान लगता था, खान साहब, बाद में साहब लगा, तो खान का मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो उसका नाम था गुलराज खान। उन्होंने आके चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की कि हम तो ग्रस्त हैं, घर परिवार में रहते हैं, सारा दिन हमारा चिंतन तो घर गृहस्थी को चलाने का होता है कि भाई कमाना कैसे है, सामान घर में क्या चाहिए, बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे, हमारा तो सारा दिन कहते हैं विषय ही अमी, हमारा तो सारा काम विषय संसार में अपने सुख सुविधा के लिए है। हमारे लिए आप अपने मुख से कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जो हम अपने घर में रहते हुए आसानी से अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल उत्तर दिया, इतना सरल उत्तर दिया, दो ही बातें कही, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन शीघ्र पाए कृष्ण चरण। दो काम करने, एक भगवान के नाम का कीर्तन करना है, कृष्ण कीर्तन। ये शब्द कृष्ण स्पष्ट रूप से भागवत में लिखा है, 12वें स्कंद में, जहां कलयुग के दोषों का वर्णन है कि कलयुग कितना कठिन और दोषों का और दुखों का सागर है। कलेर दोषे निधे राजन, महाराज परीक्षित, कलयुग दोषों का सागर है, निधि का मतलब सागर। तो भाई सागर को कोई तैर के पार कर सकता है क्या? कितना अच्छा तैराक हो, सागर को तो पार नहीं कर सकता, तो सभी डूब जाएंगे। तो उधार का कोई रास्ता, अस्ति एको महागुण, एक महागुण है कलयुग में, बाकी सब दोष ही दोष है, एक महागुण है। तो परीक्षित महाराज ने कहा जल्दी बताइए, मैं राजा हूँ, राजा अगर पालन करेगा तो प्रजा करेगी, क्योंकि गीता का एक बड़ा प्रतिष्ठित श्लोक है जो हम सब जो घर में बड़े हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त एवत्रो जनः, घर में जो बड़ा आदमी करेगा छोटे उसका अपने आप नकल करेंगे। इसलिए घर के अंदर घर का बड़ा एक स्वाभाविक गुरु है, वो जैसा घर में वातावरण स्थापित करेगा वैसा माहौल बनेगा। और कलयुग में घर में आप देवियां, ये जो नारी शक्ति है, ये मातृ शक्ति है, ये धर्म के किले की अंतिम सुरक्षा की दीवार है। ये अगर संस्कार घर में धार्मिक रखेंगे तो बच्चों के अंदर वो संस्कार अपने आप आएंगे। स्कूल कॉलेजों में ये शिक्षा कहीं कोई नहीं देता है। पहले गुरु के पास गुरुकुल में जाते थे, बच्चों को ये शिक्षा मिलती थी, लेकिन अब ये समाप्त हो गया। कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाए कि तुम्हारे बड़े माता पिता आदरणीय हैं, उनका सेवा करो, तुम्हारे गुरुजी आदरणीय हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये तो पढ़ाई के बाद बच्चे को सिखा के भेजा जाता था। अब किसी स्कूल में ऐसे आपने सुना है क्या, पढ़ाया किसी स्कूल में ऐसे? नहीं। तो ये संस्कार अगर घरों में सुरक्षित रखने हैं तो ये आप देवियां, ये आपका अब दायित्व है। धर्म के किले की अंतिम दीवार अब आपके सहारे है। घरों में अगर आप, श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में भी लिखा है कि गृहस्थ में इतनी जवाबदारियां हैं, घर
परिवार, बच्चे, संबंधी, पुत्र, पति, पत्नी, कि आदमी उसमें उलझ जाएगा तो मानव जन्म का लक्ष्य पा ही नहीं पाएगा। पुत्र, धन, ग्रह आदि, तो वहाँ प्रभुपाद ने लिखा है चार चीज़ें जिस गृहस्थी के घर में है, चार चीज़ें, तो उसका घर वैकुंठ है। लिखा है पहले घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए छोटा, चाहे फोटो लगा दो, चित्र लगा दो, विग्रह रख दो, कैसे भी आपके पास जो पहला, तो घर में, घर के मंदिर का पता है क्या बड़ा फायदा होता है, मैं गृहस्थी की चेतना की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा कोठी थी, बंगला था, सुंदर सुसर्जित, वेल डेकोरेटेड था, परिवार भी बहुत आज्ञाकारी था, घर में सुंदर मंदिर था। एक महात्मा उस गृहस्थी के घर में आया और आते ही कहा, वाह बहुत अच्छी कोठी बनाई है। गृहस्थी ने कहा, महाराज हम तो अपने साथ लाए नहीं थे, भगवान की कृपा है, अब संतों की कृपा है, ये तो भगवान का घर है, हमारा नहीं है। अंदर गया, बहुत अच्छा फर्नीचर देखा, फिक्स्चर देखा, इंटीरियर डेकोरेशन देखा, बड़ा अच्छा सजा दिया है, आपका घर बहुत सुंदर सजा हो, हमारा नहीं, भगवान का, आप महात्माओं की कृपा से, हमारे पुण्य कोई उदय हुए हैं, पूर्वजों ने दया की है, पूर्वजों ने, हमारा नहीं है। परिवार भी बड़ा सेवाधारी आज्ञाकारी है, अरे बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं, बोला भगवान के, हम तो इसके केयर टेकर हैं, इनका पालन पोषण हम कर रहे हैं, मालिक तो इसका भगवान। फिर घर में मंदिर पड़ा था, बोला ये मंदिर तो ठाकुर जी आपके, बोला हाँ ये हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, बाकी सब कुछ भगवान का है। ये चेतना गृहस्थी की होनी चाहिए, सब कुछ भगवान का है और भगवान हमारे हैं। तो घर का इससे फायदा पता है क्या होता है, भगवान घर में रखने से, अब तो घर में आपको मालूम है बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं तो आप कहते हैं ठहरो तुम्हारे पिताजी को आने को, ऐसे ही कहते हैं ना, इसका मतलब किसी बड़े का भय होना चाहिए ना। तो जब भगवान सबसे बड़ा घर में बैठा हुआ है तो हमारा उठना बैठना बोलना चलना व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि घर का मालिक वो है ना। अगर आपके घर में भगवान का मंदिर है और आपसे घर में पूछे कितने सदस्य रहते हो, मानो कि आप पांच का घर में पति पत्नी हैं, दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, पांच हैं और घर में गौर नेता है, तो कोई पूछे कितने हो तो सात कहना, पांच मत कहना, तो घर के मालिक दो वो हैं, पांच हम हैं। और ऐसे घर में भगवान बैठा है तो घर में घर बड़ा बड़ा, जैसे आपने देखा घर में कोई एक बड़ा बुजुर्ग भी होता है तो घर में सुरक्षा होती है, कोई चिंता नहीं होती। और ये भी कहते हैं घर में लड़की होती है तो भाषा बहुत सभ्य घर की होती है, जिस घर में बच्ची नहीं होती है उसकी भाषा जो है जरा असभ्य ज़्यादा हो जाती है, ये समाज की शिक्षा है। तो घर में मंदिर है तो उसकी वातावरण ही दूसरा हो जाए, तो पहले घर में मंदिर होना चाहिए, वो हमारा है ऐसा चेतना बना के रखनी चाहिए। और उसमें बड़ा लाभ है, भगवान का घर है तो आपके पास लक्ष्मीपति का घर है, आप उसमें रहे हैं कौन सी कमी होगी, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं ना, आपकी समस्या सब दूर। और सुबह उठ के प्रणाम करके कहो कि हम जा रहे हैं आपकी सेवा पे, अब हम आप जा रहे हैं आपका काम करने, अब हमको आप बुद्धि देना, हमको आप शक्ति देना, हम सामर्थ्य देना, हम काम अच्छी तरह से करके आए, और शाम को आके रिपोर्ट देना, बाकी काम ठीक हो गया, ये दो समस्याएं हो गई हमसे नहीं सुलझी, कल बुद्धि देना इसको ठीक कर लें, दे रिपोर्ट दे दो उसको, आपका भार उतरा जाए, आराम से सो जाओ, चिंता आप अपने पास मत रहो, भगवान को दे दो, घर का मालिक तो वो है ना, तो आपका कम से कम आराम तो अच्छा होगा ना रात को, क्या भगवान अपने आप देखेंगे कल बुद्धि दे दे उसमें क्या होगा। मंदिर रखने का ये है मत में घर, ऐसे नहीं सिर्फ अगरबत्ती दिखानी है भगवान को जैसे घरों में मंदिर रखे हुए हैं, और घर के अंदर मंदिर किसी बहुत प्रामिनेंट जगह पे रखो कि पहले वो ही दिखाई दे, ऐसे नहीं सीढ़ी के नीचे कोई खाली जगह है वहाँ घुस में घुसा दिया कहिए भगवान को, नहीं, बहुत प्रामिनेंट जगह घर में मंदिर के लिए भगवान के देनी चाहिए।
आप जितना भगवान को प्रेम से और सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छी तरह से सेवा करोगे, उतना भगवान आपको अच्छे से अच्छा देखभाल करेंगे, रेसिप्रोकेट वैसे ही करेंगे। आपकी जो सामर्थ्य है उस भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप उसको क्या देते हैं, भगवान आपके भाव को देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। दूसरा घर में क्या होना चाहिए, जो रसोई में भोजन बने वो भगवान को भोग लगना चाहिए। घर का बड़ा वो है, पहले उसको देना चाहिए भाई। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो पहले उसको खिलाना है। अब जो भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। भगवान से बड़े की बात के ऊपर एक बात याद आ रही। गांव में था एक बहुत बेचारा, पढ़ा लिखा समझदार था, लेकिन समय ऐसा आ गया कि काम करने के लिए शहर में आया। किसी सेठ को कहा कि काम मिलेगा? बोला काम तो है, लोगे क्या? बोला तनख्वाह नहीं चाहिए, रोटी खाऊंगा, रहूंगा, सेवा करूंगा, शर्त एक है, आपसे कोई बड़ा आया तो आपको छोड़ के उसके पास चला जाऊंगा। सेठ ने कहा मैं बड़ा सेठ हूँ, यहाँ को मुफ्त का मिला काम करने वाला, आप क्या है, काम करो, रोटी खाओ, बस हो गया। और महीना 15 दिन काम किया उसने, और अच्छी तरह से काम कर रहा था, भोजन कर रहा था। एक दिन कमिश्नर जी आ गए तो सेठ जी बेचारा उठ के खड़ा हो गया, कमिश्नर के सामने क्या करे, तो बड़ा ऑफिसर आ गया तो उसकी सेवा की, बिठाया, खिलाया, छोड़ने गया गाड़ी तक, तो इसने कहा सेठ जी आपसे बड़ा है? बोला बड़ा क्या, ये तो कमिश्नर है, ये तो सारा डिस्ट्रिक्ट, क्या ये पूरा डिवीजन का मालिक है। बोला फिर मैंने आपको कहा था आपसे बड़ा आया तो आपको छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ इसकी सेवा में, और चला गया कमिश्नर के पास। बोला मैं आपकी सेवा में आया हूँ। उसने देखा था सेठ के घर में आप तो बड़ा सेवादारी था। बोला क्या लोगे? बोला नहीं कुछ लूँगा, काम करूँगा, भोजन खाऊँगा, रहूँगा, आपसे बड़ा आया तो छोड़ के जाऊँगा। कमिश्नर कहा मैं डायरेक्टर हूँ भैया, यहाँ पूरी डिवीजन का मालिक हूँ, सेवा कर रहा था महीने, एक मिनिस्टर आ गया, अब मंत्री आया तो कमिश्नर उसके आगे पीछे व्यवस्था में लग गया। समझे कि ये मंत्री आपसे बड़ा है क्या? बोला ये हमसे बड़ा है, ये तो हमारे को यहाँ से कल उधर बदली करे, इसकी मालिक है तो ये तो हमसे बड़ा ही है। बोला फिर मैं तो आपकी नौकरी छोड़ूंगा, जाऊँगा, आप तो मंत्री का नौकर बनूंगा। मंत्री को भी शर्त यही है, पैसा नहीं चाहिए, आपसे बड़ा आया चला जाऊँगा। मंत्री जी ने कहा अब तो मैं तो यहाँ बड़ा मंत्री हूँ, मंत्री के पास भी महीना रहा तो प्रधानमंत्री आ गया। हाँ, मुख्यमंत्री पहले आया उसके पास गया, फिर प्रधानमंत्री आया तो उसके पास चला गया। प्रधानमंत्री का मुझसे तो बड़ा कोई है नहीं, तुम बैठ के सेवा करो। एक साधु घर में आया, प्रधानमंत्री उसके पाँव पड़ गया, अरे ये बोला आपसे बड़ा है। बोला भाई हम तो इस दुनिया के राजा हैं, ये तो भगवान के सेवक हैं, तो हम सबके लिए पूजने। बोल बोला महाराज फिर मैं अब इनकी सेवा में जाऊंगा। वो महाराज के साथ गया और महाराज के घर पहुंचा, उसको देर नहीं लगी, महाराज ने जाके भगवान को प्रणाम किया। बोला ये तुमसे बड़ा है क्या महाराज? बोला ये हम सबसे बड़ा है। बोला फिर मैं इसको इसकी सेवा में लगा दो ना। तो देखिए कहाँ से वास्तव में किसकी सेवा में लगना है, भगवान की, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो जब घर में भगवान है तो पहले जो बने रसोई में शुद्ध वो भगवान को भोग लगना चाहिए। इससे एक तो स्वच्छता रहेगी आपकी रसोई में, बहुत पवित्र सारा वातावरण हो जाएगा, और भगवान को अर्पण करने के लिए हर एक चीज फर्स्ट क्लास आएगी, और भगवान को भोग लगने के बाद आपको ही वो बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास चीज प्रसाद के रूप में मिलेगी, और परिवार के साथ जब खाओगे तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो दूसरा काम गृहस्थी को घर में करना चाहिए, रसोई में भगवान के लिए पहले भोग बने और फिर परिवार प्रसाद खाए। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तीसरा, भगवान को जब बिठाया है तो भगवान को गीता भागवत सुनाना चाहिए, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है बैठ के भगवान के सामने 15 मिनट 20 मिनट। कल
कब हम पढ़ रहे थे, हाँ कल पढ़ाते हुए ये एक प्रसंग आया था। चेतना महाप्रभु की बात कर रहे थे आपसे, अभी वही के उधार है सबको, वो धन दिया है जो गोलोक का धन है। उन्होंने एक श्लोक कहा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार। जिस भाग्यशाली का जन्म भारत भूमि में हुआ है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपने जन्म को सार्थक करो, सफल करो, फिर दूसरों का भला करो, दूसरों तक संदेश पहुंचाओ। तो ये हम जब अब पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे भक्तों को मंदिर में, तो वहाँ शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, जन्म सार्थक करने के लिए गीता और भागवत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाणिक भगवान के कृष्ण कथा है। एक भगवान के मुख से निकली है, एक भगवान का गुणगान व्यास देव ने किया है, तो ये है कृष्ण कथा। ये पठन करने से, श्रवण करने से जन्म सार्थक हो जाएगा। जो ये श्लोक में जन्म सार्थक का जो साधन है वो है कृष्ण कथा, और कृष्ण कथा है गीता और भागवत। इसको भगवान के सामने थोड़ा पढ़ना चाहिए। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई भगवान के सामने शास्त्र पढ़ता है। और चौथा काम गृहस्थी को घर में करना चाहिए, किसी भी एक समय सारा परिवार साथ बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करें। जो दो चार परिवार के लोग हैं, कम से कम शाम को इकट्ठे हो सकते हैं। सुबह चलो भागा दौड़ी दौड़िए, स्कूल जाना है, बच्चों को नौकरी पे जाना है, धंधे पे जाना है, लेकिन शाम को तो सब इकट्ठे बैठ सकते हैं परिवार पूरा। और जहाँ परिवार साथ में कीर्तन कर सकता है, तो इससे बड़ा यज्ञ कोई है नहीं। और ये यज्ञ घर में रोज अपने आप हो जाए, तो बिना घी के, बिना दूहे के, बिना पंडित जी के, ये कलयुग का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। और जिसका लाभ भागवत के अंतिम श्लोक में है, भागवत का पूर्ण आहुति का श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परिवार के सब सदस्य बैठ के भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे तो पाप सब जड़ से नाश हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। और कीर्तन करने के बाद भगवान को प्रणाम करें, प्रणामो दुख शमनम। प्रणाम करने से सारे दुख नाश हो जाते हैं, क्योंकि पाप का फल है दुख। तो पाप तो नाश होंगे, लेकिन पाप का फल दुख बच गया। तो बोला भगवान के सामने प्रणाम करने से दुख समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा है ठप्पा होता है, जहाँ जब जाते स्टैम्प कहते हैं उसको, उसमें सब उल्टा लिखा होता है, और जब उसको नीचे मारते हैं तो सीधा हो जाता है। तो हमारे लकीरें जो माथे की उल्टी हमारे कर्मों की है, भगवान के सामने जैसे लगता है धरती पे, सब सीधी हो जाती है, और सब सीधी हो जाएंगी अपने आप। प्रणामो दुख शमनम, नमामि हरिम परम। तो ये चार चीज़ें अगर घर में कर सकते हैं तो आपका घर वैकुंठ है, दुख का कारण नहीं है, परेशानी का कारण नहीं है, उलझन का कारण नहीं है, संकट का कारण नहीं है, संताप का कारण नहीं है, तो सुख का साधन हो जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा घर। भाई भगवान जहाँ है वो तो वैकुंठ ही हो गया ना। वैकुंठ शब्द का अर्थ है जहाँ कुंठ ना हो, कुंठ मतलब परेशानी, जो परेशानी से मुक्त स्थान है वो वैकुंठ है। अब ये चार काम करने में मुझे बताओ कोई कष्ट है क्या? कोई समस्या नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और सरलता से कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बड़े पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। बहुत हाँ जी, पैसे का कोई पैसे का भी खर्चा नहीं है। पैसा क्या, भक्ति में आने से तो बहुत बड़े लाभ होते हैं, पैसा ही बचता जाता है। बहुत से जो है खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं ये भक्ति में। तो वाइटल एनर्जी हमारी जो है वो बेकार तरफ खर्च नहीं होती है,
वो सब भगवान की सेवा में लग जाती, अपने आप लग जाती। सुचेतना महाप्रभु ने गृहस्थों को ये उपदेश दिया कि कृष्ण कीर्तन, वैष्णव सेवन, शीघ्र पाए कृष्ण चरण, बहुत जल्दी भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। वैष्णव सेवन इसका मतलब भगवान के भक्तों का संग करना। एक गलत हमारे पास परिभाषा है वैष्णव शब्द की। आप वैष्णव शब्द सुनेंगे तो समझेंगे सब्जी खाने वाले, है ना, क्योंकि वो ढाबे वाला लिखते हैं वैष्णव ढाबा इसका मतलब यहाँ शाकाहारी भोजन है, लेकिन ये वैष्णव का अर्थ नहीं है। वैष्णव का अर्थ है भगवान विष्णु के अनुयायी। वैष्णव का अर्थ सब्जी खाने वाले नहीं है, तो फिर बंदर को भी वैष्णव कहना चाहिए, वो तो सब्जी खाता है बेचारा। नहीं, वैष्णव शब्द का वास्तव अर्थ है भगवान विष्णु के अनुयायी, जो उनके पीछे चलने वाले, उनको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव सेवन का मतलब है भगवान के भक्तों से कथा सुनना। भक्तों की सेवा का मतलब, जैसे कोई कहे भाई दवा का सेवन किया, तो दवा का सेवन करने का ये मतलब नहीं है कि दवा की बोतल का जो मसाज करना है भाई, सेवन का मतलब है दवा को खाना है। ऐसे वैष्णव सेवन का मतलब है भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा और कीर्तन सुनना। ये है वैष्णव सेवा की परिभाषा। तब प्रश्न पूछा गया, वैष्णव कौन? तो चेतन महाप्रभु कहते हैं, एक बार जिसके मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण हो वो वैष्णव, सबाकार, वो हर प्रकार से वैष्णव है। बस इतना आसान कर दिया, एक बार कृष्ण नाम जारे मुखे सो वैष्णव सबाकार। एक बार भगवान का नाम जिसके मुख से निकले वो ही बहुत बड़ा वैष्णव है। दूसरे बार, दूसरे साल फिर, ये अभी तो रथ यात्रा आने वाली है, 20 तारीख को भगवान जगन्नाथ का वार्षिक जो रथ यात्रा का उत्सव है वो जगन्नाथपुरी में संपन्न होने जा रहा है, आषाढ़ महीने की दूज को। सो सारे भक्त चेतना महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आया करते थे। चेतना महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, 6 साल भ्रमण किया पूरे भारत का, कन्याकुमारी से लेकर वृंदावन तक पैदल भ्रमण किया, गली गली में भगवत नाम गाया और सब लोगों को भगवान का, यहाँ तक कि वो मुगलों का शासन था वो 500 साल पहले, पठान बहुत मिले तो उनको भी भगवान की कृपा से उनको कीर्तन करा के भगवान की भक्ति सिखाई चेतना महाप्रभु। सोचे दूसरे साल जब वो आए दोबारा दूसरे रथ यात्रा के समय, तो फिर यही प्रश्न किया कि हम गृहस्थी हैं, हमारे लिए आप कोई आसान रास्ता बताओ। तो फिर भी महाप्रभु ने यही उत्तर दिया, नित्य कृष्ण नाम कीर्तन, रोज नित्य नेम से कृष्ण नाम कीर्तन करो, और वैष्णव सेवन दोबारा बोला। तो बोला वैष्णव कौन? इस बार बोला वैष्णव वो जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हो और भगवान के नाम का जप करता हो। तो प्रश्न वही था, उत्तर में अंतर था कि ये दूसरा संग ऐसे भक्त का करना चाहिए जो भगवान से प्रेम करता हो, बड़ों का आदर करता हो, बराबर वालों से मैत्री का भाव रखता हो। नए भक्त अगर आते हैं तो उनसे स्नेह करके करुणा उनके ऊपर करता हो, और जो द्वेषी हो उनकी उपेक्षा करता हो, उनसे अपने आप को दूर रखता हो। ये है एक स्तर ऊपर भक्त। ऐसे भक्त का संग करने से हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी। ये दूसरे स्तर का भक्त है। तीसरे साल फिर आए, फिर यही प्रश्न पूछा, और तीसरे 10 साल चेतना महाप्रभु ने कहा वही कृष्ण कीर्तन,
वैष्णव सेवन, फिर कहा, तब पूछा वैष्णव कौन, बोला वो जिसको देखकर भगवान को याद आ जाए, ऐसा वैष्णव जिसके देखते ही भगवान याद हो जाए, ऐसे वैष्णव का संग मिल जाए तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब वैष्णव तीन प्रकार के हैं, एक को कहते हैं प्राकृतिक वैष्णव या कनिष्ठ अधिकारी शुरुआती भक्त, दूसरे को कहते हैं मध्यम अधिकारी और तीसरे को कहते हैं उत्तम अधिकारी। तो तीन प्रकार के ये भक्त हैं। और आश्चर्य ये है कि जो नया भक्त जिसको नव शिक्षित भक्त कहते हैं ना, वो भी बड़े से बड़े ज्ञानी से बड़े योगी से महान है। एक बार जिसके मुख से नाम निकलता है वो नया भक्त बराबर है, परंतु वो भी बड़े से बड़े ज्ञानियों से महान है। हम अपनी परिभाषा में इसको ऐसे समझाते हैं, पूरे भारत के अंदर से 500 विधायक चुन के आते हैं ना, इसका मतलब सारे देश की संख्या जो जितनी कई करोड़ है उसमें से 500 ही चुन के आते हैं जो विधायक हैं। उन विधायकों में एक तो बनता है प्राइम मिनिस्टर, एक तो बन गया प्रधानमंत्री, एक बन गया गृह मंत्री, एक बेचारे को खेलकूद का मंत्री बना दिया। तो अब प्रधानमंत्री उत्तम, गृह मंत्री मध्यम और खेलकूद का मंत्री कनिष्ठ हो गया, लेकिन वो सारे देश के 500 में से तीन हैं। इसका मतलब आप जो एक बार भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जितने इसको चेतना महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा है कि इस धरती के ऊपर अनंत जीव हैं, एक ब्रह्मांड में गिन नहीं सकते हैं इतने जीव हैं, और फिर कहा उनमें से कुछ जड़ है कुछ चेतन है, और कुछ चल सकते, कुछ चर हैं कुछ अचर हैं। भाई पेड़ पौधे चल नहीं सकते हैं उनको तो छोड़ो, जो चर हैं चल सकते हैं उसमें आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं नभचर, जल में रहने वाले जलचर हैं और धरती के ऊपर चलने वाले थलचर हैं। आकाश वालों को छोड़ो, जल वालों को छोड़ो, धरती पे जो चलते हैं उनमें पशु ज्यादा हैं, कीट पतंग ज्यादा हैं, मानव सबसे अल्प है, सबसे अल्प है मानव। और फिर कहते हैं मानव जो सबसे अल्प है उसमें आधे तो नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं, उनको छोड़ो, बाकी जो आधे बचे उसमें आधे कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। उनमें से कोटि कर्मी, उनमें से करोड़ों करोड़ों कर्म में हम भाई कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, बस यही कहेंगे, आप किसी से पूछो हम कर्म कर रहे हैं। चेतना महाप्रभु कहते हैं कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ काम कर रहे हैं तो कर्म करोगे तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे तो नरक में जाओगे, फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसका मतलब मुक्ति तो नहीं है ना। तो करोड़ों करोड़ों कर्मियों में कोई एक मुश्किल से ज्ञानी होता है जो अपने आप को आत्मा समझता है, शरीर नहीं समझता। उन कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, परंतु उन कोटि करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक मुश्किल से मुक्त होता है। फिर चेतना महाप्रभु कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे करोड़ जो मुक्ति के लायक हैं उनमें से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। एक करोड़ मुक्तों में, इसका अर्थ है मुक्ति के बाद भक्ति वास्तव में शुरू होती है,
और ये गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मान सोचती न कांक्षति सम सर्वेशु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, जो आमुक्त होके अपने आप को ब्रह्म मानने लगा कि मैं ब्रह्म हूं, प्रसन्न चित्त है, कुछ चाहिए नहीं, न कांक्षति न द्वेषति, कुछ नहीं चाहिए, कोई बुरा नहीं है, मद भक्तिम लभते परम, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है, तब वो भक्ति मेरी उत्तम पराभक्ति करने का अधिकारी होता है। इसका मतलब आप जो इस भक्ति के रास्ते में कई जन्मों के आपके पुण्य इकट्ठे हुए हैं, बहुत से जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भगवान के भक्तों का संग होता है, और भगवान के भक्तों के संग में उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करने से हमारे को दुर्लभ कृष्ण भक्ति का शुभ आरंभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, इसके बाद ये श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में कई जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये तो सिलसिला चल रहा है, कोई भाग्यवान जीव। देखो भाग्यवान और धनवान में बहुत बड़ा अंतर है, धनवान हो जिसके पास धन है, भाग्यवान हो जिसके पास भगवान है। धन वाले को भाग्यवान नहीं कहते हैं, वो धनवान कहते हैं, विद्या वाले को विद्यावान कहते हैं, पापी को अगवान कहते हैं। आत्मा का जिसने साक्षात्कार किया उसको आत्मवान कहते हैं, आत्मवान भी शब्द है गीता में, आत्मवान है, भाग्यवान है, धनवान है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव गुरु प्रकृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। कई जन्मों के बाद भ्रमण करते करते भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, तब भगवान का प्रिय भक्त कोई साधु संत गुरु मिलता है जो हमको भक्ति का बीज देता है, हमारे जीवन में भक्ति के बीज का आरोपण करता है। और भगवान के बीज का आरोपण करने का मतलब भक्ति के नेम सिखाना कि रोज़ भगवान के नाम जपना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान के सामने शास्त्र पढ़ना है, भगवान का कीर्तन करना है, ये है भक्ति का बीज। और इस बीज घर में किसी चीज़ का डालो तो फिर उसको पानी देना पड़ेगा ना, रोशनी में रखना पड़ेगा, पानी देना करे, श्रवण कीर्तन जले सींचन करे, भगवान की कथा सुनना और कीर्तन करना उस भक्ति के बीज को अंकुरित होने के लिए जल है। तो ये सप्ताह में एक दिन आप यहाँ अपने भक्ति के कोमल बीज को पोषण करने के लिए, अंकुरित करने के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए आते हैं तो फिर ये बीज अंकुरित होने लगेगा और इसका फल है कृष्ण प्रेम। वो समय आने के ऊपर आपको जब प्राप्त हुआ, आप इस धरती के ऊपर रहते हुए भी अलौकिक आनंद और दिव्य जो है चेतना में स्थित हो जाएंगे, सादर आनंद विशेष आत्मा उसको कहते हैं, इतना घनीभूत आनंद का अनुभव भी होते हो, अनुभूति होगी जब इसका फल पक जाएगा। परंतु एक सावधानी रखनी है, जब कोई बीज बोते हैं तो बीज फूटता है ना, उसके पास में घास भी निकलता है, और घास को अगर समझा और पहचाना नहीं और निकाला नहीं तो वो भक्ति वाला वृक्ष ऊपर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी शक्ति वो खा जाएंगे। और वो जो बीज है के साथ निकलने वाला घास है वो है पद प्रतिष्ठा नाम राजनीति पूजा, भाई हम लोग पूजा करने लगे हैं, लोग सेवा करने लगे हैं, लोग उसमें फंस गए तो भक्ति वाला बीज ऊपर नहीं उगेगा, आ जाएगा। उन माली है उन सबको चुन चुन के बाहर निकालना चाहिए, इससे हमें कुछ लेना नहीं, हमारे को तो वास्तव में भगवान की भक्ति का फल चाहिए। तो बहुत अच्छा, भगवान श्री गौर निताय अति उदार हैं और गौलोक का धन आपको सरलता से, सुगमता से, सफलता के लिए प्राप्त हो गया है। अब अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए इस भगवत नाम के जप का नियम बनाया है आपने,
ये पोषण आप करते रहेंगे तो कभी भगवान आपको नहीं भूलेंगे। आप भगवान का नाम जपो, भगवान आपको हर हाल में आपके संगी साथी होंगे। और ये भगवान का वचन है, नमे भक्त प्रणश्यन्ति कौन्ते प्रतिजाने, ये प्रतिज्ञा करके दुनिया को सुना दो अर्जुन के मेरे भक्त का कभी कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मैं स्वयं रक्षक हूँ, मैं उसकी रक्षा करने का दायित्व लेता हूँ। शुक्रदेव परपना, भगवान रामचंद्र ने कहा एक बार मेरा शरण ले ले, इदम मे व्रतम, ये मेरा व्रत है, सबसे उसकी रक्षा करूँगा, दोष उसमें कोई है वो मैं नहीं देखूँगा, भले दोष भी हो तो मेरे शरण में आने वाले को मैं सदा ही रक्षा करता हूँ, ये मेरा वचन है। तो हम कोई शुद्ध हैं ऐसा नहीं है, परंतु हम भगवान को हमेशा याद करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से हमारा जीवन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी। अगर भागवत के गीता पढ़ने नहीं पढ़ सके कोई और रोज भगवान की या भागवत की कथा या राम कथा सुने तो उसका कुछ मिलेगा? जरूर मिलेगा, कथा सुनने का पुल। आज ये आज पढ़ाते हुए हमने पुस्तक में देखा है कि कथा तो भगवान की सुननी चाहिए। फिर नीचे लिखा था सुनाने वाला भगवान का भक्त होगा तो कथा का प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा, और सुनाने वाला अगर भगवान का भक्त नहीं होगा तो प्रभाव सकारात्मक पड़े इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं देखता हूँ टीवी वाली कथाएं से भक्ति जागृत नहीं होती। इसको एक भागवत में लिखा है श्रोता और वक्ता दो प्रकार के होते हैं। कृष्ण अर्थी वक्ता, बोलने वाला कृष्ण का भक्त है, और सुनने वाला श्रोता भी कृष्ण अर्थी है, उसको भी कृष्ण भक्ति चाहिए, तो तत्काल भगवान की भक्ति और प्रेम प्रकट हो जाएगा। वक्ता है धनार्थी, ये आशा रख के आया है कथा करने जाऊंगा कुछ मिलेगा, और श्रोता कोई ऐसे ब्रह्मचारी साधु बैठे हैं जो कृष्णार्थी है और वो बार बार कथा में घुमा फिरा के कहे कल रुक्मणी विवाह है आप सब एक साड़ी घर से ले आके आना, तो आप ये कहेंगे हम लाल कपड़े वाले यहां क्या सुनने आए थे और क्या सुन रहे हैं, तो उसका रस आभास हो जाएगा, कथा का फल नहीं होगा, वो रिजल्ट निकलेगा नहीं। और कथा करने वाला कृष्णार्थी और सुनने वाले धनार्थी हो, आए इसलिए हैं कि कथा में गए हैं तो हमारा सब भला हो जाएगा, दुकान चलने लग जाएगा, मकान बिकने लग जाएगा, और महाराज बार बार कहे क्या रखा है दुकान में, क्या रखा है मकान में, भगवान की भक्ति करो, बोले कहाँ फंस गए। ये भागवत के महात्म में लिखा है। तो अगर आपको सुनना है तो टीवी के बजाय आप ऐसे कथा कीर्तन सुन सकते हैं जो शुद्ध भक्तों के मुख से, और उसमें भी होते हैं शुद्ध भक्त, ऐसे नहीं है, प्रायः हम दुनिया में घूम के देख लिया है कि भक्त बहुत कम है, कथाकार बहुत हैं, भक्त बहुत कम है, और भक्त के मुख से कथा को, वहां लिखा है जप और कथा क्वालिटी उसकी अच्छी हुई तो फल जल्दी मिलेगा, और क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो मनोरंजन होगा। प्रायः कथाओं में मनोरंजन है, प्रायः गाना शुरू हो जाएगा, भजन शुरू हो जाएगा, नाचना शुरू हो जाएगा, और कथा का जो एक कंटिन्यूटी है वो समाप्त हो जाएगी। ये बच्चा है, इसके गांव कथा करने गए थे, ये बार बार बोले बीच में भजन गाओ, अरे भाई भजन बीच में गाएंगे तो कथा तो लोग को भूल जाएगी, कथा कर रहे थे कहाँ जाए चली गई। तो लोगों को मनोरंजन चाहिए सत्संग में, सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं है, सत्संग हमारे को जगाने के लिए है कि हम जो माया की गोद में नींद में सोए हैं उससे जाग जाएं और अपने स्वार्थ को समझें। तो हाँ, टेप में या टीवी में कोई सीडी कैसेट या पेन ड्राइव ऐसे साधु शुद्ध भक्तों के मुख की कथा को लगा के सुन सकते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र में देख भी नहीं सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब पढ़ो,
या कथा फिर ऐसे सुन सकते हैं, पर इतना ही सिर्फ हम कहते हैं कि भक्त के मुख की कथा का प्रभाव दूसरा होगा। प्रभुपाद ने वही कथा कही, पूरे दुनिया में हजारों भक्त बन गए और यहाँ लाखों लोग कथा में आते हैं, एक भी भक्त नहीं बनता है। हमने देखा है लाख लाख लोग कथा में बैठे होते हैं। पूछा मैंने एक से, भाई कथा में कितने जाते हो? बोला प्रभु सच्ची बताए हैं। मैंने बताओ। बोला कूलर चलता है, ठंडी हवा आती है, दो घंटे अच्छा आराम होता है, फिर अपने आप उठाते हैं, भंडारा तैयार है, जाके भोजन करते हैं, इतना सुख मिलता है कथा में, और क्या चाहिए? कथा में सुख ही सुख है। ये कथा में सुख ही सुख है, और क्या है? कथा में तो सुख ही सुख है, और उसका उसको यही सुख दिखाई दिया, वही ये भी कथा में मिलता है, और जगह तो नहीं मिलता है। तो वास्तव में भाई ये भी तो सुख है ना। हम तो कहते कथा में सो भी गया तो जहाज में कोई सो गया तो उठा के थोड़ी उसको नीचे फेंकेंगे। ये जहाज है, कथा का जहाज है, सोया हुआ है तो भी भगवत धाम पहुंच जाएगा, भले आंखें उधर देर से खोलें। तो कथा सुननी चाहिए, लेकिन थोड़ा सावधानी से कि जिस कथा में भक्त के मुख की होगी तो परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में, नहीं तो नहीं आएगा। इसको एक सनातन गोस्वामी ने तो एक श्लोक ही कह दिया है कि दूध तो बड़ा पौष्टिक पदार्थ है, लेकिन सर्प के मुख से उसमें विष गिर जाए तो वो विष का काम करता है। कथा तो अपने आप में बहुत अच्छी होती है, लेकिन कथा करने वाला अगर स्वार्थी है तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। वैसे आपने इतनी कथाएं सुनी हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, कोई भक्त बनते देखा है क्या? देखा है क्या? नहीं देखा है। हाँ, भक्त बनते हुए बहुत अच्छा। हाँ, अरे हमारी कथा में लाख लोग नहीं आते, हम तो 25-50 लोगों को ही कथा सुनाते हैं, उसमें से 10 भक्त बना लेते हैं। अच्छा किया, बस तो फिर आप ठीक हैं। नहीं, हम तो जानते हैं ना कथाओं का स्तर और कथाओं का उद्देश्य, और वास्तव में सबसे अच्छा बिजनेस दुनिया में मंदिर है, और सबसे अच्छा प्रोफेशन कथा है इस वक्त दुनिया में। सच कह रहे हैं आपको, ये सच कह रहे हैं आपको, बड़े से बड़ा धंधा है ये, इसलिए जगह जगह बना के बैठे हुए हैं लोग। वहाँ कोई भगवान की कथा कीर्तन भक्ति नहीं होती, वो माहौल ही दूसरा है वहाँ का। ये तो प्रभुपाद की कृपा से कम हमारे को कसौटी मिली है कि सही और गलत का पता तो लग जाता है कि ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है। तो हमारे को कम से कम सही जगह पे जाना चाहिए, जितना लाभ हो सही जगह पे जाना अच्छा है, खराब जगह वो भी नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। आप ऐसे अपने यहाँ देखो 10-12 मंदिर पड़े हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, ऐसा डेडिकेटेड सेवा करने वाले नहीं मिलेंगे। आप पूजा होगी, घंटी बजेगी, आरती होगी, वो तो अरे घंटी बजाने वाले नहीं है, मशीन बजती है, टा 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 टा, कोई बजाने वाला घंटा भी नहीं रह गया भाई मंदिरों में। ये मशीन वाले घंटों वाले घंटों पे आरती होती है। हाँ, फिर मॉडर्न स्टाइल नहीं है, नहीं आ नहीं रहा है कोई मंदिर में, और हमारे मंदिर में खड़े होने की जगह नहीं होती है। सुबह आरती में जाते हैं 4 बजे तो धक्का मुक्की होती है, खड़े कहाँ हों? तो गाने वाले भी इतने होते हैं, बजाने वाले इतने, और वहाँ मशीनें बजती हैं तो भी कोई नहीं आता है। फिर कारण क्या है? कोई तो कारण होगा ना, कारण है भगवान खुश है तो सबको बुला लेता है जिनको बुलाना होता है। तो वास्तव में तो भगवान ही आपके हृदय में बैठा है, वो आपको प्रेरणा देगा वैसे करो, वो आपका गुरु है। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ विद्या जी, आपका क्या प्रश्न है? बड़े मतलब भारी है, ज्ञानवान है, जहाँ ज्यादा संख्या होती है भक्तों की वहाँ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा देखो,
इसका मतलब तो ये है भगवान कुटिया में तो आएंगे ही नहीं, वो तो खाली धनवान के ही घर जाएंगे, गरीब के घर कौन आएगा। तो देखो भगवान जी ने आपको हमारे पास कैसे भेजा है ये प्रभु जी जानते हैं। नहीं नहीं हम तो अभी 30-35-35 ब्रह्मचारियों को 4 घंटे रोज पढ़ा रहे थे, 5 घंटे 4-20-25-30 भक्त थे, वो तो कोई नहीं था, ज़्यादा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ इकट्ठे करनी है, 4 भी समझदार हों तो काम के। 5 पांडव कृष्ण ने उनका साथ दिया और करोड़ कौरवों को छोड़ दिया, तो भगवान का ये नेम है 4 अच्छे सुनने वाले हैं तो वहाँ जाना अच्छा है, और 100 हंगामा करने वाले हैं तो वहाँ से दूर होना अच्छा है, भीड़ में कोई फ़ायदा नहीं। नहीं बंदर में प्रसाद तो पैकेज में है, ये तो कथा के साथ खाना ही है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। इस्कान के कथा के पीछे प्रसाद, प्रश्न पूछना और प्रसाद, कथा प्रश्न प्रसाद, कीर्तन कथा प्रश्न प्रसाद, ये पूरा पैकेज है, और पुस्तक ये पांचवा है कि जाते हुए पुस्तक भी ले जाओ, तो ये 5 कप हमारा पूरा पैकेज है। एक बिना अब कभी कभी ऐसे एक बार का हम कभी कहते भाई कथा कराते हो प्रसाद बांटना उसको कहते हैं, अगर सारा पूरा नहीं खिला देते तो कम से कम इतना तो खाओ घर तक पहुंच जाए दोने में हलवा वलवा दो घर तक तो पहुंचे, इतनी तो एनर्जी हो, 2 घंटे बेचारा बैठा है, तो प्रसाद जरूर वितरण होना चाहिए कथा में, प्रसाद कथा का मुख्य अंग है। ये तो ऐसे बहुत सिंपल है, आपका मोबाइल चार्ज करके कितनी घंटे चलता है, भाई 8-10 घंटे चलता है, फिर वापस उसको चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो ये एक कथा सुन के जाते हो, चार्ज होके जाते हो, उतना तो काम करेगा, उसके बाद फिर चार्ज करना पड़ेगा, फिर तुझे चार्ज करना पड़ेगा। सम्मान सबको दो जी। कोई बात नहीं, सम्मान सबको दो, अमानी न मान दे न कीर्तन ये सदा हरि, सबको मान देना ये हमारा पहला धर्म है, आदर करना सबका ये भी अति आवश्यक है, परंतु किसी के अनुयायी होने से पहले परख लेना चाहिए कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है कि भगवान बनना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, बस मैं आप सीधी बात बता रहा हूं, आप सिर्फ ये कसौटी पे देखो कि वो भगवान बनना चाह रहा है कि भगवान की सेवा करना चाह रहा है, अगर बनना चाह रहा है तो थोड़ा आदर दे के साइड में हो जाओ, और भगवान की सेवा करना चाह रहा है तो उसके संग चले जाओ, सौ सीधी सी कसौटी है। भगवान बनने वाले बहुत हैं, भगवान का अवतार आ गया, अरे अवतार कहाँ से आ गया,
शास्त्र में कहीं लिखा है क्या, कब आया? शंकराचार्य थे, शंकर जी के अवतार, जो 24 साल ही जीवन में जय महाराज बोलो, अभी तक काय के लिए बैठे हो, चलो जाओ। शंकराचार्य, शंकरा का अवतार 24 साल जीता, ऐसे ज़्यादा नहीं जीता है भाई। शंकराचार्य 24 साल ही तो जिए ना, और लिखे इतने शास्त्र कहाँ है तुम्हारा, वेदांत सूत्र पूछो तो सही। देखो कुछ चमत्कार योगियों के पास होते हैं, ऐसे मिट्टी से सोना बना देते हैं, हम उसके अनुयायी हो जाते हैं। अरे सोने के दुकान में किलो सोना पड़ा, फिर उसके पास चले जाओ ना, एक ग्राम सोने वाले को भगवान क्यों मान लेते हो? ये चमत्कार नहीं, हृदय परिवर्तन है कि नहीं? जो हृदय परिवर्तन करता है वो काम का है, हृदय बदलना चाहिए। एक नहीं बहुत हैं ऐसे, एक नहीं बहुत हैं, इनका कोई हिसाब नहीं। रख दो, पड़ी रहे उसमें क्या है। कम से कम, अब मैं कहता तो नहीं, पेंट तो खराब नहीं होगी उतनी एरिया की। हाँ नहीं, तो फिर भगवान परेशान हो जाएगा कि किसको नमस्कार कर रही है, सबको कर रही है तो कोई एक भी नहीं आएगा। पता नहीं उसको बुला रही है, वो गया होगा, मैं जाके क्या करूँगा, कोई नहीं आएगा। एक को पकड़ो तो अच्छा है, एक साधे सब साध्या, और सब साधे ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि देखो तुम गणेश की पूजा करते हो, जब गणेश चतुर्दशी आई फिर आप करते हो शंकर जी, फिर आप करते हो उसकी, जब संकट आता है तब डूब रहा था, भजाओ बचाओ गणेश जी, बोला तुम मुझे डुबाते हो, मैं तुम्हें बचाने क्यों आऊं, तुम तो मुझे डुबाने आते हो तो मैं तुम्हें क्यों बचाने आऊं। तो वह उस वक्त वह हमारा एक है, उसको बुलाते हैं आ जाते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं इस बात के ऊपर। भाई भगवान एक है, सब तो नहीं है, सब देवी देवता को अपना सम्मान देना चाहिए जिसके लायक वो हैं। जैसे पति एक होता है, ससुर है, सास है, देवर है, जेठ है, उनको सम्मान देना है, लेकिन पति तो एक है ना। अरे ये कहे कि सारे भगवान है, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। हाँ जी, देखो आपके प्रश्न में एक और बहुत अच्छा, नहीं मैं क्या, देखो नेगेटिव भाई, सब मूर्तियां ठीक नहीं है इसका मतलब नहीं है कि सही मूर्ति भी होती है। हम सिर्फ कि सब नेगेटिव करके कोई पॉजिटिव एक्चुअली है उसको तो नहीं छुपा सकते ना भाई, 4, 5, 6, 7 जगह तो हमको धोखा मिला, लेकिन एक सही है उसको तो हम उसकी वजह से बंद नहीं कर सकते ना। एक प्रमाण की बात मैं कह रहा हूं, देखो निराकार भी एक हमारे भारत में सिद्धांत है, निराकार के उपासक, उसको गीता में लिखा है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त तेषाम अव्यक्ताई गतिर दुखम देव अभी अध्या। ये साधन बहुत कठिन है और दुखदाई है, क्योंकि हमारा शरीर है, हम बिना शरीर वाले का ध्यान कैसे कर सकते हैं। देखो भय एक होता है, भय से भक्ति, एक होती है प्रेम से भक्ति, तीन प्रकार के साधन होते हैं। एक को कहते हैं भवाइक, डर दिलाया जाता है इसको नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। दूसरा होता है रोचक, ये करोगे तो फल होगा, स्वर्ग मिलेगा, ये दोनों ही ठग है। तीसरा होता है यथारथ, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना है, न नरक से डरो न स्वर्ग की लालच रखो, अपना धर्म निभाओ कर्तव्य समझकर, प्रेम को प्रकट करने के लिए, इसको कहते हैं यथारथ ज्ञान, न रोचक ज्ञान न भयानक ज्ञान, परंतु यथारथ ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए।
तो उसको कहना चाहिए मैं नहीं हूं ना। हाँ, वो तो ईमानदार हो ना, कम से कम वो भी कहे कि नहीं शिष्य कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, तो तुमसे तो ज्यादा शिष्य तेरा गुरु हुआ। हाँ, exactly. नहीं ऐसे रहेंगे, कलयुग में बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए हमको सावधान होना पड़ेगा। भाई डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा इलाज कहाँ होगा हमें वो देखना है। तो जहाँ हमको श्रद्धा हो वहाँ जाना चाहिए। और ये दुर्लभ मानव जन्म में सही सिलेक्शन करेंगे तो सही सुख होगा, और मिस्टेक करेंगे तो थोड़ा चक्कर लगा के बाद में आना पड़ेगा। आना तो यहीं पड़ेगा, कब आना है पता नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्मों के बाद लोग यहाँ आएंगे। अभी सीधे आओ या बहुत जन्मों के बाद आओ, आपकी मर्जी, आना यहीं है, और कोई रास्ता नहीं। माम एकम शरणम वर्ज, भगवान का शब्द है, एक में शरण देना पड़ेगा, और रास्ता नहीं है। जब आओ तब आओ तुम्हारी इच्छा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आरती का टाइम हो गया। हरे कृष्णा, तो प्रभु जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने कथा किया और आप सब इंस्पायर हुए। तो आप सब कौन कौन चाहते हैं प्रभु जी वापिस आए, सब कौन चाहते हैं वो एक बार फिर से बनेंगे प्रभु जी के लिए, प्रभु जी के स्वास्थ्य की रक्षा और प्रभु जी का आशीर्वाद हम सबसे बताया। क्यों क्यों नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण निधाय गौर प्रेमानंद हरि गौर। वकील साहब चले गए क्या?